भैया सर्कल का क्वेश्चन बता दे। सर्कल चला जाए ऐसा। सर्कल सर्कल का क्वेश्चन बता दे, क्या प्रॉब्लम आ रही तेरे को? प्रॉब्लम सर्कल चैप्टर ही प्रॉब्लम है भाई। सबसे भैया चैप्टर हमारा सर्कल, क्यों? एक तो इसकी थ्योरम याद नहीं हो रही है, थ्योरम इतनी सारी है कि बंदा याद करता करता मर जाएगा भाई। मान लेते हैं चलो थ्योरम का मैंने रट्टा मार लिया, ठीक है भैया, इनके अप्लाई क्या करूं? 10.1 घुसी पड़ी 10.2 में, 10.3 घुसी 10.6 के अंदर, एक दूसरे में बड़े पड़े हैं ये लोग, ठीक है। चलो अप्लाई करके रट्टा मार के मैंने एंगल बराबर कर दिए, ठीक है, एंगल बराबर हो चुके हैं। पता नहीं कौन सी माँ का बेटा लेके आ गया पाइथागोरस। अबे एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे सर्कल वाले चैप्टर में पाइथागोरस कर क्या रही है? चलो मान लिया मैंने मैंने पाइथागोरस को लगा दिया है, घुसेड़ दिया है, आंसर को कर दिया है, लेकिन 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 सर्कल कहता है अभी कैसे, अभी तो पाइथागोरस आई है, अभी तो क्वेश्चन बना है, अभी तो मैं अपने असली रंग दिखाऊंगा और थ्योरम लगा, थ्योरम लगा। अरे मुझे अगर थ्योरम याद हो रही होती तो मैं चैप्टर कर नहीं लेता क्या? अब एंगल वो एंगल के बराबर कैसे करूं? एंगल वन एंगल टू के बराबर है, कौन सी प्रॉपर्टी किसमें घुस रही है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। अब एंगल बराबर हो गया है, त्रिमा की साइड, अब सर्कल तो गोल होता है ना, तो उसमें साइड क्यों आ रही है? बस 7 मिनट और पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। इसमें जो भी थ्योरम या जो भी टर्मिनोलॉजी आप लोगों को मैं बताऊंगा वो सारी की सारी एज इट इज एग्जाम में यूज होती हैं, तो सारे के सारे बच्चे बड़े ध्यान से एक एक चीज सुनेंगे। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैजिक बॉक्स में आपको मिल जाएगी, जो कि हमारी कैल्विन लाइव ऐप पे है, ठीक है। अब सबसे पहले होता है सेकंड, अगर एक लाइन पूरी कट करके जा रही होती है तो आर पार जा रही होती है उसे सेकंड बोलते हैं। अगर कोई रेडियस है यानी सेंटर से सर्कल के सर्कमफेरेंस पर कहीं पर भी आकर के टच करती है लाइन उसे रेडियस बोलते हैं, सेंटर बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं, सर्कमफेरेंस जो लाइन ये जो बनती है जो पूरा सर्कल बन रहा होता है जिससे हमें पता चलता है ये सर्कल है उसे सर्कमफेरेंस बोलते हैं। एक ऐसी लाइन यानी कि सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है उसको हम लोग बोल देते हैं डायमीटर, जो कि सेंटर से पास होकर जाती है, और जो डायमीटर होती है वो रेडियस का दुगना होता है। फिर कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड किस सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिला रही होती है। क्लियर हो गई बात? अगला पॉइंट, कभी भी जब हम टेंजेंट की बात करते हैं तो टेंजेंट हमेशा सर्कल पे जो होता है वो टच करके जा रहा होता है, जो टच करके जा रहा होता है, क्रॉस करके नहीं, सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके जा रहा होता है बस। रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो अगर मैं सेंटर से यहाँ पर अगर कोई भी लाइन जोड़ देता हूँ तो हमेशा ध्यान रखें कि जो रेडियस है और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, जो रेडियस है और जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो हमेशा, और ये वाला जो सेंटर और जहाँ से ये टेंजेंट बना है ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, ये दोनों आपस में बेस और परपेंडिकुलर बनते हैं, ये हमेशा जो रहता है वो हाइपोटेन्यूस रहता है, यहाँ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर हमेशा पाइथागोरस लग रही होती है। अब बात करता हूँ कि जब कभी दो सर्कल दे रखे होंगे तो उन दोनों में कॉमन टेंजेंट कितने बन सकते हैं? अगर इस तरीके की शेप होगी तो एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगी, अंदर वाले पे बनाओगे तो बाहर वाले के लिए नहीं होगी और बाहर वाले के बनाओगे तो अंदर वाले के लिए नहीं होगी। ऐसी कंडीशन में एक टेंजेंट बनेगी, ऐसी कंडीशन में दो टेंजेंट बनेंगी, ऐसी कंडीशन में देखो पहले दोनों अंदर थे फिर एक बिल्कुल साइड में गया फिर आधे आधे रह गए, अब देखो बाहर बाहर हो गए बस बाहर से एक जगह टच कर रहे हैं, तो तीन बन सकते हैं, और अगर दूर दूर कर दोगे तो चार बन सकते हैं, इससे ज़्यादा कॉमन टेंजेंट बन नहीं सकते, ठीक है। आगे की बात करता हूँ तो बहुत सारे कुछ कॉमन फैक्ट्स होते हैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि MCQ में या फिर वाइवा में कहीं पर भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं ये सारी चीज़ें। सबसे पहला, अगर कभी भी कोई ट्रायंगल दे रखा होता है तो अगर उसकी दो साइड सेम है तो यहाँ पर जो उसके एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं। अगली बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि अगर दो कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं जिनका कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं जिनके सेंटर सेम होते हैं, ऐसे में अंदर वाले का यानी छोटे वाले का जो रेडियस है अगर बी है तो बड़े वाले का रेडियस अगर ए है तो जो ये जो वाली जो लाइन होती है ये वाली लाइन बन जाती है ये, पर क्योंकि ये वाली लाइन कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर दो दे रखी है, देखो ये भी है एक और एक ये भी है, तो ऐसे में इन दोनों को जोड़ोगे तो 2√ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर ये कह सकते हो कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस माइनस में छोटे वाले सर्कल का रेडियस, इन दोनों के स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन कर दोगे और √ में रहेगा 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तीसरे नंबर पर किसी भी सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? इनफाइनाइट, लेकिन किसी एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? सिर्फ एक, मतलब अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात करूं तो सिर्फ एक ही टेंजेंट बनाया जा सकता है। इसके बाद अगर सेंटर से मैं कभी भी, ये देखिए दो रेडियस हैं यहाँ पर जितना भी एंगल बन रहा होगा अगर इन्हीं दोनों पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर चला जाऊं जो भी एंगल यहाँ पर बन रहा होगा ये वाला एंगल उसका हाफ बनेगा। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, जो पहला पॉइंट बताया उसको ध्यान से समझिएगा,
कि ये दोनों के दोनों एंगल सेम हो जाएंगे क्योंकि ये भी बच्चों रेडियस है और ये भी बच्चों क्या है, रेडियस है। क्लियर हो गई बात। अगला पॉइंट है बच्चों आप लोगों के पास कि कभी भी सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बनता है और उसका एक जो साइड है ट्राइंगल का वो डायमीटर है, तो डायमीटर के सामने वाला हमेशा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। इसको याद रखेंगे सारे के सारे बच्चे, बहुत बार यूज होता है ये। कभी भी एक आपको रोम्बस दे रखा है या पैरेललोग्राम दे रखा है, उसके अंदर अगर एक सर्कल डाल दिया गया है और उस सर्कल में जो उसका सेंटर है वो उस रोम्बस या पैरेललोग्राम के वर्टेक्स से अगर लाइन आकर के सेंटर पे आ रही है तो आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, उन दोनों का सम क्या हो जाता है बच्चों, 180 डिग्री हो जाता है। इस बात का भी सब लोग ध्यान रखेंगे। अगला, ये वाला स्ट्रक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस वाले स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि अगर एक बाहर पॉइंट से मैं दो टेंजेंट डाल दूं तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, AP = BP होगी। अब ये वाला देखिए, अगर मैं एक लाइन यानी कि सेंटर से यहां पर डाल दूं, बिल्कुल एक्सटर्नल पॉइंट पर डाल दूं अगर, तो ये वाला एंगल, ये जो पूरा एंगल था ये दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाता है, ये वाला भी एंगल दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाता है, यानी कि एक तरीके से ये जो OP है ये एंगल बाइसेक्टर का काम करती है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को कहूं A को अगर मैं B से मिला दूं तो ये कॉर्ड है, और देखिए इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। ये देखिए ये एक ट्राइंगल बन गया, जब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर तो ये वाला एंगल भी बच्चों इस वाला एंगल के बराबर होता है, ये वाली बात मैं बता चुका हूँ। अब देखिए ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये वाला एंगल बच्चों इस वाला एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। अगर मैं यहां पर इसको कर दूं तो देखिएगा ये दोनों जो ये वाला ट्राइंगल है और जो ये वाला ट्राइंगल है, ये दोनों के दोनों भी आपस में कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल होते हैं, ये लेंथ भी सेम होती है, ये भी कॉमन होता है और ये वाली लेंथ भी सेम होती है, तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बन जाते हैं ये। ठीक है जी, क्लियर हो गई यहां तक की बात। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं कि AOB, जैसे मैंने ये वाला ट्राइंगल बोला, ये वाला बोला था, ठीक है जी, डन है यहां तक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर बच्चों इस तरीके को, इसको भी बड़ा ध्यान रख से समझ लें क्योंकि इसका भी बहुत बार यूज होता है। यूज कैसे होता है कि देखिए ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर है, AQ QC के बराबर है, CR RB के बराबर है, ये बात भी हमें क्लियर है। अब हम लोगों को ये जानना होगा कि अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालूं तो ये वाली लेंथ प्लस में ये वाली लेंथ प्लस में ये वाली लेंथ। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा AB है, ठीक है। अगर AB को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा, यहां पर पूरे AB को बच्चों मैं लिख सकता हूं PQ और AQ, और AQ की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, और पूरे PB को बच्चों मैं RB और PR लिख सकता हूं, और RB की जगह बच्चों मैं ये लिख सकता हूं। तो अल्टीमेटली मुझे इसको अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो या तो मैं 2 times of AP बोल दूंगा, 2 times of PB बोल दूंगा, यानी कि जो बड़े वाले जो टेंजेंट दे रखे, बस इतना करूंगा। फिर इसके बाद बच्चों आप लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता है, एंड दैट्स ऑल। अगर आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान रहती हैं तो आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता। इसी तरीके से पढ़ते रहें और सारे के सारे वीडियोस, वन शॉट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, माइंड मैप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे सब्जेक्ट्स के आप लोगों को मिल जाएंगे मैजिक बॉक्स में, वो है Calvin Live ऐप में। तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ और उठा लो।